जैसा कि मैंने आपको बोला था, बुलेट 350 का एंड रॉयल इनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 दोनों का ही मैं एक स्कीम लाऊंगा HDFC एंड IDFC की तरफ से। यह है HDFC के पेपर। HDFC का EMI कैलकुलेशन किया हुआ है, लेकिन IDFC का अभी कैलकुलेशन नहीं किया हुआ। पर अगर आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिखोगे कि आपका डाउन पेमेंट कितना है, तो HDFC की तरफ से एंड IDFC की तरफ से कितना हो सकता है, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। यह बुलेट 350X लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, BS6 मॉडल है। प्राइस इसका है 1,63,342 रुपीज़। ठीक है, 1,63,000 अप्रॉक्स आप मान के चल सकते हो। डाउन पेमेंट बहुत कम आ सकता है, 19,933, ऑलमोस्ट 20,000 डाउन पेमेंट आ सकता है यहाँ पर। ठीक है, HDFC की तरफ से। यहाँ पर आपको फोटोकॉपी, वोटर कार्ड, इलेक्ट्रिक बिल, ठीक है, बैंक का 3 से 6 महीने का अप टू डेट होना चाहिए, एंड गैस बिल नहीं लगेगा। अगर आपका डाउन पेमेंट बहुत ही कम है, उसके साथ आप रेंट पे रहते हो, फिर गैस बिल लग सकता है। ठीक है, आधार कार्ड यहाँ पर, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। इनकम प्रूफ, अगर आप बहुत ही कम डाउन पेमेंट करना चाहते हो तो आपका इनकम प्रूफ लगेगा, एंड सैलरी होना चाहिए 25,000। लेकिन आप थोड़ा सा ज़्यादा कर दोगे डाउन पेमेंट, तो आपका कोई इनकम प्रूफ यहाँ पर नहीं लगेगा एंड अवेलेबल हो जाएगा। HDFC की तरफ से है ये। यहाँ पर आपका जो मिनिमम डाउन पेमेंट है, मैंने आपको बोला, एंड डाउन पेमेंट के अंदर क्या क्या लगता है वो भी यहाँ पर मैंने, मतलब यहाँ पर दिखाया हुआ है। 70,342, 1,460 ये मार्जिन मनी है, प्रोसेसिंग फ्री है, PDD, ठीक है, एग्रीमेंट, स्टैंपिंग चार्जेस, ये एग्रीमेंट सब कुछ मिला करके यहाँ पर होता है ऑलमोस्ट 20,000 रुपये। लोन अमाउंट है 1,46,000 रुपीज़। ठीक है, ये HDFC की तरफ से नंबर यहाँ पर दिया हुआ है भैया का, एक आप कॉल कर सकते हो। कॉल करके बोलना कि पल्लव, मेरा नाम ही बोलना, नाम लेके बोलना कि एक यूट्यूब चैनल से वीडियो देखा है। वो भैया को असल में दी फ्लाइंग कैरेवन जितना बड़ा नाम है याद नहीं रहता। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है सिविल। सिविल आपका 750 to 800 होना चाहिए। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कभी लोन नहीं लिए, फिर भी वो लेना चाहते हैं अपना भाई, तो इसके बारे में अभी मैं आपको बता तो नहीं सकता, लेकिन एक सिविल आपका होना चाहिए। आप AC लेते हो या फ्रिज लेते हो, घर के लिए एक TV लेते हो, अपना कंप्यूटर, DSLR, मोबाइल, कुछ भी हो सकता है, आप अगर वो लेते हो तो आपका एक सिविल बनता है, एक क्रेडिट स्कोर बनता है, जिससे कि पता चलता है आप टाइम पे लोन देते हो, मतलब जो आपका EMI है वो पे करते हो या नहीं, कोई लोन उधार धार ये सब तो नहीं है आपका, तो फिर आपको अच्छा लोन मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैंने दिखा दिया 350 CC, ये बुलेट का। अब है GT कॉन्टिनेंटल 650 का। GT कॉन्टिनेंटल 650 का प्राइस यहाँ पर देख सकते हो आप, 3,28,484 रुपीज़। डाउन पेमेंट आ सकता है 69,245 रुपीज़। ओके, तो ये है GT कॉन्टिनेंटल 650 BS6 का। लोन अमाउंट है 2,63,000 रुपीज़। यहाँ पर EMI कैलकुलेशन करके दिया हुआ है 48, 4 साल के लिए हो जाता है, ये बहुत ही अच्छा है। 5 साल के लिए भी आपको मिल जाएगा GT कॉन्टिनेंटल अगर आप लेना चाहते हो। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं कैलकुलेशन करके आपको बता दूंगा, आपका जितना डाउन पेमेंट होगा उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा, कमेंट सेक्शन में जाकर लिख देना। एंड 3 साल के लिए अगर आप लोगे तो ये आप देख सकते हो 9,055, 5 साल के लिए 6,190, एंड 4 साल के लिए 7,255। ये आप अगर लेते हो तो 4 साल या 5 साल के लिए लेना, क्योंकि इसका थोड़ा प्राइस ज़्यादा है। सेम यहाँ पर भी लगेगा, फोटोकॉपी, वोटर कार्ड, एंड यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा, बिकॉज जो GT कॉन्टिनेंटल है ये थोड़ा सा प्राइस आपको ज़्यादा कॉस्ट करेगा, थोड़ा 3 लाख, 3.5 लाख कॉस्ट करेगा, तो इसलिए आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल दिखाना पड़ेगा। मतलब एक घर का रेसिडेंस प्रूफ देना पड़ेगा कि आपका ही घर है, रेंट पे रहते हो, फिर भी हो जाएगा, लेकिन HDFC में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। बैंक का ये 3-6 महीने का वो जेरोक्स पासबुक का, ठीक है, यहाँ पर इनकम प्रूफ लगेगा। HDFC में नॉन इनकम प्रूफ के लिए कोई भी स्कीम नहीं है, GT कॉन्टिनेंटल अगर कोई लेना चाहता है तो। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो नॉन इनकम प्रूफ कैटेगरी से, उनके लिए कोई भी स्कीम नहीं है HDFC की तरफ से। लेकिन आप अगर IDFC का देखोगे, IDFC में आपको मिल जाएगा, अगर आप इनकम नहीं भी करते,
फिर भी आपको जी टी कॉन्टिनेंटल मिल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यह है आई डी एफ सी की तरफ से, यहाँ पर आई डी एफ सी का कोई कैलकुलेशन नहीं किया हुआ है, पर मैं कैलकुलेशन करके बता दूंगा एंड या पूछ के मैं बता दूंगा। आप कॉमेंट में लिख देना पैन, आधार, वोटर, बैंक पासबुक का जेरोक्स, लास्ट 6 महीने का अपडेट, लास्ट मंथ बिल, ठीक है, मतलब घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए, लास्ट मंथ का दे देना। 3-पीस चेक लगेगा। अगर आपका बड़ा बैंक हुआ, नेशनल बैंक हुआ, तो थोड़ा कम लग सकता है, पर अगर आपका छोटा बैंक है तो आपका लग सकता है 2 से 3 पीस चेक लग सकता है। 2 कॉपी फोटो ये दिया हुआ। रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम आएगा, 650 अगर आप ले रहे हो तो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है आई डी एफ सी की तरफ से, एंड 350 cc ले रहे हो तो 10.65% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ऑलमोस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही मैनेजेबल है, आप देख सकते हो 650 का 8%, तो बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि डाउन पेमेंट थोड़ा सा ज़्यादा करने की कोशिश करो। पता नहीं कैसे कैसे बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं कि भाई क्या बोल रहा है तू, मैं HDFC के मतलब एक स्कीम मैंने देखा है, वहाँ पर 32,000 डाउन पेमेंट में हो रहा है। पता नहीं वो लोग कहाँ से आते, कैसे आते, उनको कैसे मिलता है, ठीक है। लेकिन उतना डाउन पेमेंट, कम डाउन पेमेंट में 650 cc रॉयल एनफील्ड GT कॉन्टिनेंटल आपको नहीं मिलेगा। थोड़ा ज़्यादा डाउन पेमेंट करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, ठीक है, 69,000-70,000। अगर आप यहाँ पर 1,00,000 रुपये कर दो तो एक अच्छा डाउन पेमेंट है, पर जो लोग इनकम नहीं करते अच्छा खासा, तो मैं बोलूँगा तो भाई अभी रॉयल एनफील्ड GT कॉन्टिनेंटल एंड थोड़ा सा महंगा प्राइस बाइक है जो RR 310, फिर ये एडवेंचर 390, रॉयल एनफील्ड GT कॉन्टिनेंटल, इंटरसेप्टर भी आप बोल सकते हो, ये सब बाइक अभी मत लो, थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा के फिर लो। सो आई होप आपको अच्छा लगा एंड अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलेंगे और एक वीडियो में। ऑलवेज थिंक हाई, फ्लाई हाई, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।